दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में चर्चा में आए एक IAS अधिकारी की और हर कोई आजकल इनके बारे में जानने को उत्सुक है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ विजय किरण आनंद जो कि बेसिक शिक्षा में महानिदेशक के पद पर वर्तमान समय में तैनात हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 2009 बैच के IAS विजय बंगलोर के मूल निवासी हैं और इनकी पहली पोस्टिंग बागपत में STM पद पर हुई थी। उसके बाद CDO बाराबंकी बने, शाहजहाँपुर में उसके बाद DM बने और उसके बाद बनारस में इनको DM बना के भेज दिया गया। वैसे तो जहाँ ये गए चर्चा में रहे क्योंकि इनको अनुशासन प्रिय है और देश की जनता की समस्याओं को सुनने और उनको सुलझाने में विशेष रुचि रखते हैं। इसी तरीके का एक वाकया है कि शाहजहाँपुर में जब DM थे तो उस समय एक किसी अस्पताल का निरीक्षण करने गए, वहाँ पे किसी पीड़ित ने उनसे कहा कि अस्पताल में ब्लड नहीं मिल रहा है तो तुरंत उन्होंने वहाँ पर अपना ब्लड देके उस मरीज की जान बचाई। लेकिन जब बनारस में रहे तो यहाँ भी वो चर्चा में आ गए और इसी वजह से अक्सर विवादों में भी आ जाते थे। तो उस समय बनारस में एक पुल हादसा हो गया था और एक शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पुल में मची भगदड़ से लगभग 25 लोगों की जान चली गई थी और उस समय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने उनको यानी जो उस समय DM हुआ करते थे बनारस के विजय किरण आनंद जी, उनको स्थानांतरित कर दिया था। और तब से लेकर अक्सर जो है चर्चा में आते रहते थे और वर्तमान समय में वर्तमान सरकार ने जब कुंभ मेले का आयोजन किया तब उन्हीं विजय किरण आनंद जी को उस कुंभ मेले के आयोजन की जिम्मेदारी दी और जिसको उन्होंने पूरी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराया और वहाँ से उनकी कुशलता को देखकर आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बेसिक शिक्षा में महानिदेशक के पद पर तैनात किया और दिन प्रतिदिन अपने नए नए आदेशों से शिक्षा में डिजिटलाइजेशन करके क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरें भी आई थी कि विजय किरण आनंद जी से उनके आसपास के कई अधिकारी नाराज़ रहते हैं और अक्सर जब वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पर उसका जवाब नहीं देते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएँ और विजय किरण आनंद जी को आप कितना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके अवश्य बताएं।